आज की वीडियो हम लोग बात कर रहे हैं ई श्रम कार्ड के पैसे के बारे में। एक ऐसी वेबसाइट है जिससे मात्र 10 सेकंड में आप चेक कर पाएंगे कि आपका पैसा आया या नहीं आया। नहीं आया तो क्या कारण है वो भी पता कर सकते हैं। सिर्फ आपको मोबाइल नंबर डालना है और उससे आप अपने ई श्रम कार्ड का पैसा चेक कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन हुआ था अथवा नहीं हुआ था। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक वेबसाइट मिलेगी जिस वेबसाइट के माध्यम से, मैं बताऊँगा कौन सी वेबसाइट है, उसमें आपको कुछ इस तरह का खाँचा देखने को मिलेगा जिसमें आपको बस मोबाइल नंबर डालना है, जिस भी मोबाइल नंबर से आपने ई श्रम कार्ड बनाया था, और यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देना है। तो देखिए तीन तरह का स्टेटस शो कर रहा है, मैं सबसे पहले समझा दूँ। एक ये शो कर रहा है जो नीचे लिखा हुआ है नो रिकॉर्ड फाउंड। अगर आपका ई श्रम कार्ड बढ़िया से बना नहीं था अथवा बढ़िया से आपने अपडेट नहीं किया बाद में, अपडेशन भी आया था बाद में, तो ऐसे लोगों का नो रिकॉर्ड फाउंड लिख रहा है। और ऐसे लोग दूसरे कैटेगरी में हैं जिनका पैसा आ गया है, क्रेडिट हो गया है, ऐसे में सक्सेस लिखा है। और तीसरे कैटेगरी के वे लोग हैं जिनका फेलियर लिखा हुआ है। तो एक कैटेगरी मैंने दिखा दिया यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड लिख रहा है, दूसरी कैटेगरी दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले नाम होगा, फिर फादर नेम या हस्बैंड नेम होगा, फिर गांव का पूरा एड्रेस होगा जो कि आपने भरा था, फिर डिस्ट्रिक्ट होगा, फिर कितने पैसे आए थे, और मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखा होगा जो कि मैंने जितनी भी चीज़ें प्राइवेसी के तहत मैंने हाइड कर रखी हैं वो चीज़ नहीं दिखानी थी। यहाँ पर देखिए फेलियर वाली कैटेगरी में सबसे पहले दिखा दूँ, यहाँ फेलियर वाली कैटेगरी में लिखा हुआ था किस कारण फेल हुआ है, आपका पैसा नहीं आया है। तो आधार नंबर नॉट सीडेड, यानी कि सीडेड नहीं है, डीसीडेड है, फ्रॉम एनपीसीआई मैपिंग बाय बैंक कस्टमर टू कॉन्टेक्ट हिज आर हर बैंक। ठीक है, मतलब क्या है, आप जब अकाउंट खुलवाते हैं तो आप अपने आधार से ही अकाउंट खुलवाते हैं, तो केवल उसमें आधार नंबर डाल दिया जाता है। जबकि क्या करना होता है, आपको बोलना होता है कि हमारे आधार को एनपीसीआई से लिंक करिए, मतलब हमारे आधार नंबर को एनपीसीआई से लिंक कर दीजिए। ठीक है, ऐसा बोलने से क्या होता है, जो भी गवर्नमेंट का पैसा आता है, जो भी आप योजनाओं से जुड़े होते हैं, तभी आपका पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो पाता है। तो एनपीसीआई से बैंक वाले लिंक नहीं करते हैं, केवल आपका आधार नंबर डाल देते हैं। इसी कारण जो होता है आप काफ़ी जगह अंगूठा लगाकर भी पैसा नहीं निकाल पाते हैं, आधार नंबर या आधार से ही अकाउंट खुला रहता है तब भी, क्योंकि वो एनपीसीआई से लिंक नहीं करते हैं। तो यदि भी आपका भी ऐसे अंगूठा से पैसा ना निकलता हो अथवा आपका भी इस तरह फेलियर हुआ हो, तो आप अपने बैंक जाएं और आधार दे करके बोले कि हमारा एनपीसीआई से लिंक करिए। ठीक है, एक और कैटेगरी दिखाते हैं जिसमें पैसा आया है। आप यहाँ देख सकते हैं एक ऐसी कैटेगरी जिसमें पैसा आया है, यहाँ पे देखिए सक्सेस लिखा हुआ है। यहाँ पे सक्सेस हो गया तो कोई कारण नहीं लिखा गया है, क्योंकि अगर फेलियर होता तो कारण लिखा रहता। यहाँ नाम होगा, फादर या हस्बैंड का नाम होगा यहाँ पे, और यहाँ पे पूरा आपका एड्रेस होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा, मोबाइल नंबर के साथ साथ यहाँ पे पैसा लिखा होगा। ये मोबाइल नंबर है जो कि मैंने हाइड किया है, यहाँ पे पैसा लिखा होगा। तो देखिए 2000 रुपये आए थे, ठीक है, तो 1000 रुपये यहाँ दिखा रहा है, बाकी 5500 दो बार में आए थे किसी किसी के, और किसी किसी के 1000 टोटल एक बार में आए थे। ठीक है, तो एक 1000 तो ऐसे ही इसमें शो कर रहा है, बाकी 5500 जो तो है यहाँ पे राहत करके एक वहाँ पे लिखा हुआ था, राहत कोष के जरिए आपको पैसे भेजे गए थे दो बार में। ठीक है, तो 500 ये और 1000 ये, तो 500 जो है वो नहीं शो कर रहा है यहाँ पे, केवल 1000 वो शो कर रहा है जो कि डायरेक्ट श्रम कार्ड में के जरिए आए थे। ठीक है, बाकी जो राहत का पैसा आया हुआ था 5500 करके, ये भी श्रम कार्ड के लिए ही था जो कि कोविड को देखते हुए भेजा गया था, वो 5500 रुपये यहाँ पे नहीं शो करेंगे। तो 1000 रुपये जिनके आए होंगे उनके शो करेंगे, और बाकी जिनके नहीं आए होंगे उनके शो करेंगे क्या कारण है। तो आप बस मोबाइल नंबर डालिए और सर्च कर लीजिए। ठीक है, तो ऐसे आप पता लगा सकते हैं। बाकी वेबसाइट कौन सी है, तो वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उस पर आप क्लिक करते ही इसी पेज पर पहुँच जाएंगे। ठीक, तो यहाँ आपको मोबाइल नंबर बस डाल के सर्च करना है और सारी डिटेल्स आप प्राप्त कर लेंगे। बाकी कुछ और पूछना हो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।